स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। हमने कल एवरेज पढ़ा है और आज एवरेज का पार्ट टू पढ़ेंगे। हमने कल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक हमने बेसिक से सॉल्व किया है। अब इसके आगे आज पार्ट टू में हम करेंगे बिल्कुल थ्योरी और थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि मान लीजिए कि प्रथम नौ पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो 1 2 3 ये पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हमने कल पढ़ा था कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 9 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, यानी फर्स्ट 9 एवरेज होल नंबर का। ठीक है, तो 9 पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो 9 पूर्ण संख्या में 0 भी तो आएगा क्योंकि 0 होल नंबर है, 0 एक पूर्ण संख्या होता है। तो 9 पूर्ण संख्या में 0 भी आ गया तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 0 से लेके 8 तक जो संख्या होगी ये पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 0 + 8/2, यानी कि 8/2 = 4। ठीक है, एवरेज इसका क्या हो जाएगा, 4। और हमें पता भी है कि अगर कंटिन्यू लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का संख्या जो हो तो उसका एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। अब मान लीजिए यहाँ से आप 4 कदम इधर चलें, इधर से आप 4 कदम इधर चलें और बीच में ये 4 आ रहा है, तो एवरेज क्या होगा, 4 होगा। हमने इसको बताया कि लगातार संख्या का एवरेज बीच वाली संख्या होती है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 0 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर संख्या है, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि 17 से लेकर 33 तक के सभी संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 17 से लेके 17 18, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 32 और ये 33, तो इन सभी का औसत क्या हो जाएगा। यहाँ से ले लेंगे 17 को और यहाँ से ले लेंगे 33 को, तो 17 + 33/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25, ये हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब मान लीजिए 17 से 33 तक कितना संख्या होगा, अगर आप काउंट भी करेंगे तो एक संख्या ऐसे 25 यहाँ पे आएगा जिसका बीच वाला संख्या हो जाएगा और उसका एवरेज 25 आएगा। ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या दिया रहा है कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो औसत क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो देखिए औसत क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि n स्क्वायर कोई संख्या रहे तो उसका योग कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था n (n+1)(2n+1)/6। हमने नंबर सिस्टम में ये पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है n(n+1)(2n+1)/6 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बटा नंबर एवरेज होता है। तो ये सम हो गया n(n+1)(2n+1)/6। ठीक है, और इसको ये सम हो गया, इसको डिवाइड करेंगे n से तो ये हमारा n और ये n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, n+1)(2n+1)/6, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, ये इसको हमें याद करना है।
अगर n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछे तो हमें n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बेसिस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि पांच प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो हमने इसका जो थ्योरी है किया है कि अगर वर्ग का एवरेज पूछे तो n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यही हम एवरेज निकाले हैं इससे पहले, ठीक है। तब पांच प्राकृत संख्या का वर्गों का पूछ रहा है तो n बराबर हम क्या पुट कर देंगे, n बराबर हम पांच पुट करेंगे तो n कितना है 5 प्लस वन इंटू टू इंटू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस वन सिक्स इंटू पाँच गुना 10 प्लस वन 11 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 11, यानी पांच प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 11 होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। धन पूर्णांक क्या होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 बट्टा 2, क्या हो जाएगा 101 बट्टा 2 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा औसत 50.50, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 100 से कम यानी 100 से कम क्या होगा 99, तो एक हमारा विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 यहाँ तक जाएगा 99 तक, क्योंकि सम 100 तो सम संख्या है और 99 हमारा विषम संख्या हो जाएगा तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 1 प्लस 99 बट्टा 2 यानी 100 बट्टा 2 बराबर 50, यही इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि पांच लगातार सम संख्या का औसत 30 है तो छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे औसत दे दिया है और पांच लगातार सम संख्या है तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज दिया रहे, हमसे छोटी संख्या पूछ ले, हमसे बड़ी संख्या पूछ ले तो इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछे तो क्या करना है, कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो करना है एवरेज माइनस एन माइनस वन। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो एवरेज माइनस एन माइनस वन कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अगर वही हमसे पूछ ले कि लार्जेस्ट नंबर क्या है यानी कि बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या निकालेंगे एवरेज प्लस एन माइनस वन, ठीक है। यानी कि एवरेज माइनस एन माइनस वन कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, एवरेज प्लस एन माइनस वन कर देंगे तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि पांच लगातार सम संख्या का औसत 30 है तो हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा कि एवरेज हमारा दिया हुआ है 30 और एन हमारा दिया है 5 तो एन माइनस 5 माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 4 बराबर 26, ये 26 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हमसे पूछ लेता कि लार्जेस्ट नंबर क्या है तो लार्जेस्ट नंबर इसका हो जाता 30 प्लस 4 34 यानी कि 34 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसको हम एक डेटा पे देखते हैं कि क्या ये सही है। अब देखिए अब तो हम तो निकाल चुके हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर 26 है, 30 माइनस 4 26 और लार्जेस्ट नंबर है 30 प्लस 4 34 यानी इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 26 है, लार्जेस्ट नंबर 34 है, औसत हमारा 34 है। अब देखिए औसत पांच लगातार सम संख्या, हमने पढ़ा है कि लगातार सम संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है तो यहाँ पे 5 है और औसत 30 है यानी कि 30 बीच में आएगा। अगर ये सम संख्या है तो जब हम पीछे आएंगे तो माइनस 2 करते जाएंगे
तो 30 के पीछे आएंगे माइनस दो करेंगे तो हमारा 28 आएगा, और 28 से माइनस दो करेंगे तो हमारा 26 आएगा, और 30 से प्लस करें आगे बढ़ेंगे एक कदम तो प्लस टू करेंगे तो 32 आएगा, और इसके अगले कदम चलेंगे प्लस टू करेंगे तो 34 आएगा। अब देखिए हमारा, हमने कहा है कि पांच लगातार किसी भी लगातार सम संख्या का औसत उसकी बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या पाँच हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाली संख्या 30 हो गया। औसत दिया हुआ है कि सम संख्या का औसत 30 है, अगर हम दो कदम पीछे आते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 26, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर 26 हम फाइंड कर चुके हैं। अगर हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं तो दो कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी लगातार सम संख्या का हम लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो पांच लगातार सम संख्या हो गया। आइए अब विषम संख्या पे क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि 7 लगातार विषम संख्या का औसत 33 है, 33 है, तो छोटी और बड़ी संख्या निकालें। हमने अभी पढ़ा है कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं, एवरेज माइनस एन माइनस वन, और वहीं लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है यानी बड़ी संख्या निकालना है तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्लस एन माइनस वन। तो अब देखिए यहाँ पे 7 लगातार विषम संख्या का औसत 33 है, तो छोटी और बड़ी संख्या, यहाँ पे एन हमारा क्या हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा 7, तो अगर हमको छोटी संख्या पहले निकालनी है तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 33 माइनस 7 माइनस 1 यानी 33 माइनस 6 इक्वल टू 27, यानी छोटी संख्या हमारा 27 हो जाएगा। अगर हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 33 प्लस 6 यानी कि 39। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज प्लस एन माइनस वन कर देंगे, और स्मॉल स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज माइनस एन माइनस वन कर देंगे तो स्मॉलेस्ट निकल जाएगा। अब देखिए इसको हम हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना आया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा 27 आया है, और लार्जेस्ट वैल्यू हमारा आया है 39, यानी कि 7 लगातार है। अब देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या में भी 2 का गैप आएगा, तो अगर आप बढ़ते हैं तो अगला संख्या 29 होगा, अगला संख्या 31 होगा, अगला संख्या 33 होगा, अगला संख्या 35 होगा, अगला संख्या 37 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात संख्या यहाँ पे हो गई, और सातों संख्या क्या है, विषम संख्या है, और किसी भी लगातार सम संख्या हो विषम संख्या हो उसका एवरेज बीच वाला होता है, तो औसत कितना है 33 दिया हुआ है, तो हमारी छोटी संख्या है यहाँ पे 27 हो गई और बड़ी संख्या 39 हो गई। ठीक है, आइए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसको अगर एवरेज उसका एवरेज हम निकालें, मान लीजिए एक संख्या दिया रहा 73, 75, 78 और 81, ऐसी संख्या का एवरेज हम तुरंत कैसे निकालेंगे। अब अगर इसका एवरेज हमको निकालना है तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, सभी संख्या से भाग देंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हमको इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सभी संख्या को जोड़ के 4 से भाग देके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या इन चारों संख्या में से किसी एक को पकड़ लें। अगर मान लीजिए हम किसी एक संख्या को इसमें से पकड़ लें, या 70 के प्लस में है तो 70 भी हम पकड़ के इसको एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने 70 पकड़ लिया, 70 प्लस, अब देखिए 70 से ये 73 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ 3 प्लस कर देंगे। 70 से 75 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यहाँ 5 कर देंगे। 70 से 78 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यहाँ 8 कर देंगे। 70 से 81 कितना ज़्यादा है, 11, यहाँ पे 11 कर देंगे। इन चारों को जोड़ के इन चार से भाग दे देंगे, तो देखिए इसको जोड़ेंगे 5, 3, 8, 8, 16, 11, 27 / 4, और इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो आंसर आएगा 6.75। अब 70 प्लस 6.75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76.75, इसका एवरेज
यही आ जाएगा। अब आप देखिए आप कितना इजीली निकाल सकते हैं, आपको इतना पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक नंबर को पकड़ना है, मान लीजिए कि 73 का सीरीज में है, अगर 73 भी पकड़ लें तो वैसे भी ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़ी संख्या में नंबर दिया रहे तो हमको पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कोई एक नंबर उसी में से पकड़ लेना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 75 भी पकड़ते हैं, अगर मैंने यहाँ से 75 पकड़ लिया तो 75 से कितना कम है, 73 माइनस 2, तो हमको यहाँ माइनस 2 करना होगा, 75 को छोड़ देंगे। 75 से कितना 78 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यहाँ 3 प्लस करेंगे। और 75 से 81 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 ज़्यादा है, तो 6 पकड़ के 4 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 639 माइनस 2 7/4, यानी 75 प्लस 7/4 करेंगे। अगर हम 7 को 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, यहाँ दशमलव देंगे 0 आएगा, 4 7 28 और 4 5 20, 1.75, यानी 75 प्लस 1.75 यानी कि 76.75 इसका आंसर आ गया। देखिए 76.75 इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमको इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक संख्या को पकड़ना है, उससे कौन ज़्यादा है कौन कम है उसको जो ऐड करना है, और जितना संख्या दिया रहे उससे भाग दे देना है, तो उसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।